पीलीभीत इन दिनों चुनावी एपिसेंटर बना हुआ है। पीएम मोदी ने पीलीभीत से रैली की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने भी इस रैली के जरिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद से विपक्ष को भी पीलीभीत पसंद आ रहा है। अखिलेश यादव अब अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत 12 अप्रैल से पीलीभीत से ही करने जा रहे हैं। मौजूदा समीकरण की बात अगर करते हैं आप, तो यहां पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा 12 अप्रैल को की और अखिलेश करेंगे रैली। 35 साल से रहा बीजेपी का यह गढ़, जहां से इस बार वरुण गांधी का टिकट कट चुका है और बीजेपी ने इस बार जितिन प्रसाद को कैंडिडेट बनाया है। इस बार मेनका गांधी भी यहां से रह चुकी हैं सांसद। नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर से जुड़ी सीट, तराई के इलाके में खेती किसानी मुख्य काम है यहाँ के। देखिए रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष सबिता वर्मा, ब्लॉक प्रमुख। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत संसदीय क्षेत्र यूपी चुनाव का एपिसेंटर बनता जा रहा है, जिसकी वजह है कई सालों बाद गांधी परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं है। पीएम मोदी ने पहली बार पीलीभीत में जनसभा की, लेकिन बीजेपी सांसद वरुण गांधी पीएम मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुँचे। जनसभा में जहाँ पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, वही एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 12 अप्रैल से पीलीभीत से ही करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पीलीभीत पहुंचकर एक बार फिर विपक्ष की घेराबंदी की। विशाल जनसभा में कई मुद्दों के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर कोसा। शक्ति उपासना और राम मंदिर जैसे मुद्दों के सहारे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया, आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। पीलीभीत में हुई पीएम मोदी की रैली में सीएम योगी ने भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा। पीलीभीत से पीएम मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है और पूछा है कि बीजेपी जनता के बीच भ्रम क्यों फैला रही है। ये क्यों उसी पर, और इनको कुछ नहीं आता क्या? नौजवान बेरोजगार जो हैं उनके बारे में बात नहीं करनी आती? 10 साल में उन्होंने महिला सुरक्षा में क्या किया वो बताना नहीं आता? किसानों के लिए क्या किया वो नहीं बता पा रहे? इसलिए वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम आचरण में लाइए, धर्म को आचरण में लाइए, उसको व्यापार मत बनाइए। पीलीभीत लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया है, वहीं मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट कटा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस ने भी वरुण गांधी को ऑफर दिया है, उनका भविष्य क्या होगा फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है, पर पीलीभीत सीट का इतिहास बदलना तय है। पीलीभीत लोकसभा सीट हमेशा गांधी परिवार का गढ़ रही है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर मेनका गांधी ने पहली बार 1989 में चुनाव जीता था। 1996 में मेनका गांधी दूसरी बार सांसद बनी और लगातार जीत हासिल करती रही। 2009 में पहली बार वरुण गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा और पीलीभीत से जीते भी।
2014 में एक बार फिर मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद चुनी गई। 2019 में वरुण गांधी ने पीलीभीत से चुनाव जीता। अब वरुण या मेनका दोनों इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में 1996 के बाद से पहली बार इस सीट पर गांधी परिवार का कोई सदस्य सांसद नहीं होगा। वरुण गांधी के भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें यूपी में शेष किसी मजबूत सीट से टिकट दे सकती है। ये भी बताया गया है कि उन्हें संगठन में कोई पद भी मिल सकता है, जबकि मां मेनका गांधी को टिकट मिला है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि वो इन दिनों चुप है और रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, हालांकि सही समय आने पर वो बड़ा फैसला कर सकते हैं। वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से नामांकन भरने के लिए पर्चा खरीदा था, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। वही जितेंद्र प्रसाद पड़ोसी जिला शाहजहांपुर के राजनीतिक परिवार से है। कांग्रेस से राजनीति शुरू करने के बाद दो बार सांसद रह चुके हैं। साल 2021 में बीजेपी में शामिल होने के बाद से प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वही एसपी ने पड़ोसी जिले बरेली के नवाबगंज से पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार को मैदान में उतारा है। अब अखिलेश यादव पीलीभीत से 12 अप्रैल को चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस और सपा नेताओं ने बैठक कर यूपी में चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तय की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव 13 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में रैली करेंगे। पीएम मोदी की रैली के बाद महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाओं ने पीएम मोदी के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सुना प्रधानमंत्री को? आज इतना खुश हूँ कि जिंदगी में कभी खुश नहीं हुए। क्या लग रहा है? बहुत हम बहुत खुश है। क्या आप क्या कहेंगे? हमारे देश में मोदी आए, मोदी जिंदाबाद, हमारा घर बनवाया। अब मोदी को नौकरी दे, बच्चों को घर घर एक नौकरी, एक नौकरी, मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। पीलीभीत में 75% हिंदू और 25% मुस्लिम है। ऐसे में देखना है कि गांधी परिवार के प्रत्याशी के बगैर जनता इस बार पीलीभीत से किसे आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस यथार्थ से परम आदरणीय प्रधानमंत्री। आइए आपको बताते हैं, रामलला के दरबार में इस बार चैत्र नवरात्र पर खास तैयारी है। शक्ति की उपासना पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से की जाएगी। और यही नहीं, 17 अप्रैल को राम मंदिर में राम जन्मोत्सव का भव्य त्यौहार मनाया जाएगा। बहुत ही भव्यता के साथ ये दिन मनाया जाना है। हो भी क्यों ना, 500 सालों के बाद रामलला भव्य महल में विराजमान जो हुए हैं। ऐसे में इस बार रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के सूर्य तिलक मस्तक पर पड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। ये रामनवमी बेहद खास है, क्योंकि 495 साल बाद ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन्मोत्सव हो रहा है। इसको लेकर अवध में तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसको लेकर अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी और दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। राम मंदिर में पहली रामनवमी का खास आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। लगभग कितने समय तक वो सूर्य वहाँ पर मौजूद होगा? दो ढाई मिनट तक अच्छे रूप से और 5 मिनट तक थोड़ा फेड स्वरूप में कुल मिलाकर रहेंगे। राम जन्मोत्सव के दिन रामलला के मुख पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रहेंगी। ये गोलाकार सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। फिलहाल वैज्ञानिक रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिसका ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। जब वे मंदिर बन रहा था तो निर्णय हुआ था कि रामनवमी के दिन भगवान के जन्म दिन के ऊपर सूर्य तिलक भगवान को जन्म के दिन समय होना चाहिए, दोपहर में 12 बजे।
तो उसके लिए जो उपकरण हैं जिनके माध्यम से सूर्य का प्रतिबिंब भगवान के मस्तिष्क पर पड़ेगा 4 मिनट के लिए 12 बजे, उसकी तैयारी हो रही है और उसकी फिटिंग हो रही है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में धूमधाम के साथ चैत्र नवरात्रि का पर्व भी मनाया जा रहा है। वहीं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दरबार में भी चैत्र रामनवमी के पहले दिन चांदी की चौकी पर कलश की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, चैत्र रामनवमी के 9 दिनों तक प्रभु राम के दरबार में समस्त देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाएगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा और प्रभु राम को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि में रामनवमी भी मनाई जाएगी। इस बार की रामनवमी अद्भुत और अलौकिक होगी। दुर्गा सप्तशती का भोग लगेगा, वो पाठ होगा और 56 प्रकार के भोग भी लगेगा। इस प्रकार से वो बराबर 9 दिन तक के उसकी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से होता रहेगा। 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में जन्म लेंगे। नवरात्रि के 9 दिन तक रामलला के दरबार में दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही 9 दिनों तक अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। विधि विधान पूर्वक प्रभु राम के साथ देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाएगी। इसके साथ नवरात्रि में जो पूजा विधि बनाई गई है, उस पूजा विधि के अनुसार वैदिक आचार्य राम मंदिर में माता दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। वेद मित्रों से हवन कुंड में आहूतियां डलाई जाएंगी। प्रकार से उसका 9 दिन तक, वह प्रतिदिन 9 दिन तक बराबर चलता रहेगा पूजा अर्चना, और यह प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी वैसे ही होगा। तो उसमें सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है। चैत्र नवरात्र पर VHP 5 लाख गांव में रामोत्सव मनाएगी, जिसका शुभारंभ आज से हुआ है और समापन हनुमान जयंती पर 22 अप्रैल को होगा। राम भक्तों से अपील भी की जा रही है कि वे इस रामोत्सव में अनुष्ठान, पूजन, मानस पाठ, नाम संकीर्तन आदि का आयोजन करें, क्योंकि कई मायनों में ये रामोत्सव बेहद खास है, क्योंकि इस रामनवमी पर जब सूर्य की रोशनी 3rd फ्लोर पर लगे पहले दर्पण पर गिरेंगी और 3 लेंस और 2 अन्य मिरर से होते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर लगे आखिरी मिरर पर पड़ेंगी, तो रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य किरणों का एक तिलक लग जाएगा। इसके साथ ही सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह भी उस कपड़े पर अंकित है, उसको रामलला ने धारण किया है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है और रामनवमी के दिन भगवान रामलला का प्रकाटोत्सव भी पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी। छोटे से ब्रेक लिया, रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।